नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आप सबका स्वागत है। चुकंदर कह लीजिए या बीट, इसे हम सलाद के तौर पर खा तो लेते हैं पर ज़्यादा नहीं खा पाते हैं, और ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अब इसे किस तरह से खाया जाए, इसे बच्चे भी काफ़ी आसानी से खा लेंगे अगर आप ये बढ़िया सा बीट का हलवा बनाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनता है। अगर रोज़ाना आप 1 से 2 चम्मच खाएं तो आपको शरीर के लिए भी अच्छा है और ये खाने में भी टेस्टी लगता है। तो उसके लिए ना गैस को ऑन कर ले, कढ़ाई रख दे, सिर्फ 1 चम्मच घी डाले जब तक ये गर्म हो रहा है। यहाँ पर मैंने ना 2 बीट को छील कर अच्छे से वॉश करके ग्रेट यानी कि कद्दूकस कर लिया था। घी गर्म हो गया है तो इसके अंदर हम ये कद्दूकस की हुई बीट डाल देंगे और लगातार चलाते हुए इसे भूनेंगे। मैंने आपके साथ बीट की कई तरह की सब्जी बताई है, बीट के लड्डू बताए हैं और वो भी इतने टेस्टी बने ना, आज सोचा इसका हलवा बता देती हूँ। बनाना काफ़ी आसान है। अब इसे आपको धीमी आंच पर अच्छे से भूनना है। ध्यान रखिएगा, आंच धीमी रखनी है। उसके बाद 3 से 4 मिनट इसे अच्छे से भूने। उसके बाद ना इसके अंदर 1 कप आपको दूध डाल देना है। कच्चा डालें या उबला हुआ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दोनों में से आप कोई भी डाल सकते हैं। एक बार मिलाने के बाद ढककर धीमी आंच पर इसे हम पकाएंगे तकरीबन 2 से 3 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 से 3 मिनट हो गए हैं, तो ढक्कन को इस तरह से खोल लेना है और आप देख सकते हैं दूध जो है ना वो सूख गया है, थोड़ा बहुत ही रह गया है। तो इसके अंदर हम डालेंगे चीनी। अब आप चाहे तो यहाँ पर बारीक कटा हुआ गुड़ भी डाल सकते हैं, और चीनी है ना मैंने 1/2 कप ही डाली है। और आँच अब हम बढ़ा लेंगे, और चीनी की मात्रा भी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जितना आप मीठा या फीका पसंद करते हैं, या फिर आप गुड़ डालें, या फिर आप इसके अंदर खजूर भी डाल सकते हैं एकदम बारीक काट कर। मैंने यहाँ पर चीनी ही डाली है क्योंकि हलवा है ना। अब आप देख सकते हैं इसे मिलाते जा रहे हैं और चीनी में से पानी निकलता जा रहा है, चीनी मेल्ट होगी। तो यहाँ पर अब लगातार चलाते हुए इसे पकाते जाए तब तक ये अच्छे से सूख जाए, अंदर तक चला जाए बीट के। और सच्ची में जब आप ये खाएंगे ना, आपको लगेगा ही नहीं कि ये बीट का हलवा है, काफ़ी स्वादिष्ट लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छे से मैं इसे मिलाती जा रही हूँ और ये जो चीनी में से पानी निकला था ना वो सूखता जा रहा है। तो अब थोड़ा बहुत रह गया तो इसके अंदर हम डाल देंगे खोया, जिसे काफ़ी लोग फीका मावा भी कहते हैं, तो इसे डाल देंगे। ये मैंने 1/2 कप जितना ही डाला है और अच्छे से इसे मिलाना है। खोया बनाना घर पर बहुत ही आसान है, मैंने घर का बनाया हुआ लिया है। इसकी लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। मार्केट से भी अगर आप लेके आते हैं तो वो भी डाल सकते हैं, और घर पर भी सिर्फ ये एक इंग्रेडिएंट सिर्फ दूध से ही बनता है, तो आप घर पर भी इसे बना सकते हैं और मार्केट का भी। तो बस अच्छे से चलाते जाएं और इसे पकाते जाएं। आप देख सकते हैं तकरीबन 2 से 3 मिनट हो गए और ये कुछ इस तरह से हो गया है। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे इलायची का पाउडर 1/4 चम्मच। इससे स्वाद काफ़ी बढ़िया आता है। और लगातार चलाते हुए और 1 मिनट तक भूनेंगे। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ नारियल का बुरादा, इससे स्वाद ना बहुत ही बढ़िया आता है। तो मैंने 2 चम्मच जितना डाला है, समझ लीजिए 1 बड़ा चम्मच, या फिर छोटा चम्मच है तो 2 चम्मच। अच्छे से इसे मिक्स करना है और इसे पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तकरीबन इसे ना मैंने 4 से 5 मिनट तक पकाया है और ये हलवे की कंसिस्टेंसी में आ गया है। देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया खुशबू आ रही है और ये हलवा बनकर तैयार है। तो इस तरह से प्लेट में निकाल ले। ऊपर से हम डालेंगे थोड़ा सा क्रंच के लिए मगज के बीज और थोड़े से पम्पकिन सीड। आप चाहे तो कोई ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं, या बस ऐसे ही खाएं। लीजिए, तैयार है बहुत ही हेल्दी और टेस्टी ये बीट का हलवा। तो ज़रूर ट्राई कीजिए। आप इसे स्टोर भी कर सकते हैं फ्रिज में, और जब भी आपको खाना है तो गर्म करके इसे खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। और मुझे कमेंट्स बताइए रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।